नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। एचईसी को बचाने को लेकर अब मुहिम तेज हो चुकी है। एक तरफ जो है एचईसी के कर्मचारी आंदोलन पर है, तो वहीं इंडिया घटक जो दल है वो भी जो है लगातार एचईसी को बचाने को लेकर वो आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। वहीं इस कड़ी में इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल है उसके प्रतिनिधिमंडल ने आज राजभवन का दरवाज़ा खटखटाया है, जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से एचईसी के तमाम हालात पर और वर्तमान स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है और राज्यपाल को बताने का काम किया है। हम आपको बता दें कि एचईसी का जो मुद्दा है लगातार वो मुद्दा गर्माता जा रहा है, क्योंकि एचईसी जो है जिस तरीके से कहा जा सकता है कि एचईसी जो है उसको मदर प्लांट कहा जाता है, और एचईसी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि 18 से लेकर 19 महीने तक का वेतन जो है अभी तक बकाया है, यानी उनको नहीं मिला है। इससे क्षुब्ध होकर एक तरफ एचईसी कर्मी जो है आंदोलन कर रहे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन दल के लोग भी जो है एचईसी कर्मचारियों के हक में अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। किया है केंद्र सरकार ने और वहां के मजदूर परब आ रहा है, लगातार परब आ रहा है। 18 महीने से डेढ़ बरस से वेतन नहीं मिला है, वहां के पदाधिकारियों को वेतन नहीं मिला है। चिमनी जो था वो बंद हो गया, 3 चिमनी एचईसी का बंद हो गया। ये सारे सवाल को गवर्नर साहब के पास गए, क्योंकि वो कस्टोडियन है फाइनली, और एचईसी केंद्र सरकार का इस देश का एक बड़ा धरोहर है। एचईसी को बचाना प्लानिंग कमीशन जो था नीति आयोग उसका रिकमेंडेशन है। कलाम साहब जब थे राष्ट्रपति तो उनका था, क्योंकि इसरो के साथ उन्होंने जोड़ा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में इसको 2 बार रिवाइव कराया गया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी का समय आया तो पिछले 4 बरस से एचईसी घाटे में चल रहा है। इसका कोई चेयरमैन नहीं है, डायरेक्टर नहीं, कोई अस्थाई कोई नहीं, वर्किंग कैपिटल नहीं है, इसके रॉ मटेरियल नहीं है। ये सारी स्थिति हमारी यहाँ की, हमारी नेता महुआ मांझी जी ने राज्यसभा में उस दिन ये सवाल को उठाया जब राज्यसभा में इसरो पे चर्चा हो रही थी। किसी पर तमाम लोग काम कर ही रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं कि उसको उसका पुनरुद्धार हो, लेकिन सालों से ये पेंडिंग है और धीरे धीरे उसकी स्थिति बदतर होती जा रही है। राज्यसभा में मैंने पहले भी एचईसी मुद्दे को उठाया था, लेकिन उसके बाद भी कोई पहल नहीं की गई सरकार द्वारा। तो मैंने उस दिन इसके बारे में कहने के लिए चुना जिस दिन इसरो की उपलब्धि पर चर्चा हो रही थी, और उस समय मैंने कहा कि इसरो के वैज्ञानिक और इसरो बधाई के पात्र हैं, उनको धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही कहा कि इसरो के लिए चंद्रयान 1, 2, 3 के लिए जो लॉन्चिंग पैड और अन्य उपकरण बने हैं वो एचईसी से बने हैं और वो मदर इंडस्ट्री है। 1958 में पंडित नेहरू ने उसकी स्थापना की थी और एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, और इसके बावजूद उसके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है जिस एचईसी से किसी। अब देखने वाली बात होगी कि एचईसी को बचाने को लेकर जिस तरह से मुहिम जो छिड़ गई है वो मुहिम आखिर किस तरह से रंग लाती है। तो आप देखते रहिए दर्श न्यूज रांची से, मैं मोहन कुमार।